भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का गाना जो कल रिलीज हुआ था रानी चटर्जी के साथ साड़ी पर का फोटो म्यूजिक वाइंड यूट्यूब चैनल पर, जिससे कि हमने आपको पहले ही बताया था काफ़ी कम सब्सक्राइबर वाला ये यूट्यूब चैनल है और इस पर रिलीज़ किया गया है। और इस गाने को बम्पर ओपनिंग ने महज 6 घंटे में, जी हाँ महज 6 घंटे में 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया। अब उस गाने को टेक डाउन कर दिया गया है ड्यू टू कॉपीराइट रीज़न के तहत इस वीडियो को हटा दिया गया है। और कॉपीराइट जो रीज़न दिया गया है वो म्यूज़िक भोजपुरी करके कोई चैनल है उसने दिया है, उसके तहत उसकी कॉपीराइट के तहत इस गाने को हटाया गया है। जी हाँ पूरी तरह से आप देखेंगे म्यूज़िक वाइंड पर जाकर, उसके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर, तो वो गाना आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसका ऑडियो जो रिलीज़ किया गया था इसी म्यूज़िक पर किया गया था और उस पर आपको ये ऑडियो रिलीज़ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो रिलीज़ को हटा दिया गया, ये बहुत ही लेटेस्ट खबर है। पवन सिंह के वीडियोज़ के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, पवन सिंह से अमूमन कोई पंगा नहीं लेता है, पवन सिंह के वीडियोज़ के साथ ऐसी कोई भी बात कभी नहीं आती है। ये पहली बार बात सामने आई है कि पवन सिंह का कोई वीडियो इस तरह से टेक डाउन नोटिस, यानी टेक डाउन नोटिस वो होता है जहां यूट्यूब उस पूरे वीडियो को हटा देता है, तो उस तरह से इसका पूरा वीडियो हटा दिया गया है। पवन के जो फैंस हैं वो काफ़ी निराश हैं, जिन्हें अभी अभी पता चला है वो काफ़ी निराशा अपनी व्यक्त कर रहे हैं कि इस तरह से किसने इस तरह की हरकत की है। तो आपको बता दें म्यूज़िक भोजपुरी करके कोई चैनल है जिसने ये टेक डाउन का नोटिस भेजा है इस गाने को, और आप अभी जाकर अगर देखना चाहते हैं साड़ी पका फोटो का जो वो वीडियो है वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं है, उसके 1 दिन पहले वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि वापस ये सारे मामले सुलझ जाए तो ये गाना वापस आ जाए, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये गाना नहीं है म्यूज़िक वाइंड पर। और इस तरह से पहली बार पवन सिंह के साथ हो रहा है, और ये निराशा की बात इसलिए भी है क्योंकि रानी और पवन की जोड़ी बहुत लंबे अंतराल बाद आई है, और काफ़ी लोगों ने कल इस पे वीडियो बनाया था कि जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, भले ही लंबे समय बाद आई है तो कोई अच्छी सी कट भले ही लंबे समय बाद आई है तो क्या, लेकिन जोड़ी फ्रेश लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो भाई अब इस तरह से क्या हो गया। और आपको ये बता दें इसमें पवन के परफॉर्मेंस को भी बहुत पसंद किया गया था, तो अब पवन के फैंस के लिए बहुत बड़ी ये खबर है कि उनके स्टार, उनके पावर स्टार का ये गाना भाई पूरी तरह से यूट्यूब से हटा दिया गया। हो सकता है आगे आ भी जाए लेकिन फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दिया गया। उसके लिए मसाले का